हेलो एवरीवन, नीलम यादव किचन में आप सबका स्वागत है। मैं आज बनाने जा रहा हूँ साउथ इंडियन डिश इडली। इडली बनाने के लिए हमें एक छोटा कटोरी उड़द दाल चाहिए। इसे हमें अच्छे से धो लेना है। और 3 कटोरी चावल, नॉर्मल चावल मैंने लिया है जो मेरे घर पे बनता है फ्रेंड्स। और 2 छोटा चम्मच मेथी दाना लेना है। परफेक्ट माप लेंगे तो आप लोग का भी इडली अच्छा और फुली फुली स्पंजी बनेगी फ्रेंड्स। तो देखिए, मैंने 2 चम्मच मेथी दाना लिया है और इसे पानी में अच्छे से साफ़ कर लेना है। साफ करके हमें इसे रात भर के लिए या 4 से 5 घंटे भिगो के रख देना है फ्रेंड्स। तो मैं रात भर के लिए भिगो के रखी थी। तो देखिए, हमारा फुल नाइट भिगोने के बाद से कितना अच्छा से फूल चुका है फ्रेंड्स। अब इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो 2 बैच करके मैं इसे पीसूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा है। तो मैं आप लोग को पीस के दिखाती हूँ कि इसे कैसे पीसना है। मैंने वही चावल का जिसमें पानी फुला के रखा था ना, वही पानी इसमें यूज कर रही हूँ पीसने टाइम। तो मैं इसे पीस रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए, ऐसे ही आप लोगों को भी पीस लेना है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। देखिए, एक बैच हमने पीस के रेडी कर लिया और दूसरा बैच भी हमने पीस के रेडी कर लिया। अब इसे फिर 4 से 5 घंटे हम फूलने के लिए छोड़ देंगे फ्रेंड्स। इसमें खमीर अच्छा उठता है, जब खमीर उठेगा तभी अच्छा बन पाएगा। तो देखिए, हमारा रात भर खमीर कितने अच्छे से फूलने के बाद से हो गया है। तो खमीर इसमें अच्छा उठा है, इसका मतलब हमारा इडली बढ़िया तैयार हो गया। अब इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डाल के ऐड कर ले रहे हैं, बढ़िया से चला ले रहे हैं। तो हमारा बैटर बन के तैयार है इडली का। अब इडली स्टैंड हम लेंगे और उसको अच्छे से ग्रीसिंग कर लेंगे ऑयल से। ग्रीसिंग करने से इडली हमारा चिपकता नहीं है फ्रेंड्स। तो देखिए, मैं इसे अच्छे से ग्रीस कर ले रही हूँ। और इडली के साथ साथ मैं आप लोग को चटनी भी बनाना बताऊँगी फ्रेंड्स। तो देखिए, हमने सारे प्लेट में थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे डाल लेना है बैटर। और कितना हमारा स्पंजी बन के रेडी होगा इडली, बनेगा तो आप लोग खुद देखिएगा फ्रेंड्स। एक बार में भी आप बहुत अच्छे स्पंजी इडली बना सकते हैं। तो देखिए, हमने प्लेट में अच्छे से इसे रख लिया है। अब पानी मैंने यहाँ उबलने बैठा दिया था, 2 कटोरी पानी इसमें मैंने रखा था। और स्टैंड हम अपना इसमें डाल लेंगे। तो सारा हमारा इडली अच्छे से इसमें स्टैंड में रख लिए। अब हम कवर करके 12 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तब तक हमें चटनी बना ले रहे हैं फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ मूंगफली लिया है और 3-4 लहसुन कलियाँ और 1 मिर्च। पानी डाल के इसे पीस लूँगी। तो देखिए, हमारा मूंगफली का चटनी रेडी हो गया। अब हम नारियल का चटनी बना रही है। मेरा भुना हुआ चना था फ्रेंड्स, इसमें हरा मिर्च और थोड़ा पानी डाल के इसको भी हम पीस ले रहे हैं। तो देखिए, 12 मिनट के बाद हम एक नाइफ के सहारा से चेक करेंगे। तो हमारा अच्छे से चाकू में नहीं लग रहा है, इडली बन के तैयार है। गैस को ऑफ कर लेंगे फ्रेंड्स। और इसे हम ठंडा होने के बाद प्लेट को निकालेंगे। गर्म में निकालेंगे तो टूटने का चांसेस रहता है, तो ठंडा होने के बाद ही निकालिएगा फ्रेंड्स। अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम अपना नारियल का भी चटनी प्लेट में निकाल ले रहे हैं। और थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी को अच्छे से धो लेंगे। और इसमें हम छौंका लगाने का तैयारी करेंगे फ्रेंड्स। तो नमक मैंने नहीं डाला था, तो नमक अब ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग को मिक्सी में ही पीसना होगा साथ में, तो नमक डाल के ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, मूंगफली की चटनी और नारियल की चटनी में नमक डाल के अच्छे से मिला ले रही हूँ। तो चटनी में पैन गरम करके रख लिया फ्रेंड्स। अब हम छौंका लगा ले रहे हैं चटनी में। तो हमने राई डाला है और 2 सूखी हुई मिर्च और 4 से 5 कढ़ी पत्ता। और हम गैस को ऑफ कर लेंगे और दोनों चटनी में थोड़ा थोड़ा डाल के फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। ये मैंने बहुत ही इजी
चटनी का ट्रिक बताया है फ्रेंड्स। तो इडली के बर्तन हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम एक एक करके निकाल लेंगे। तो देखिए चाकू के सहारे से ऐसे गोल घुमाते हुए आप लोगों को भी निकाल लेना है फ्रेंड्स। यकीन मानिएगा बहुत ही स्पंजी इडली बन के तैयार होता है। ये रेसिपी आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा, एक बार मेरे इस तरीके से बना के देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा इडली बन के तैयार होता है। देखिए मैंने सारे इडली को निकाल लिया है प्लेट में, अब मैं चटनी डाल लूँगी। मैं दूसरा प्लेट में सर्व कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि उस प्लेट में वो प्लेट छोटा था। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा इडली बन के रेडी है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।